हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो मैं पिछले टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर, उसी का ये टेक्सचुअल एनालिसिस है। वहां पे मैंने पूरी स्टोरी को अच्छे से समझा दिया था। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। आज हम यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्टुअल एनालिसिस कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो ठीक है, जो जो मेरे चैनल पे आए हैं नए, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए हम लोग जो है अपना टेक्स्टुअल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्प्लेड किया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है, और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर आज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि व्हाई इज मिसेज पम्फ्रे वरिड अबाउट ट्रिकी, ठीक है। मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित है, इसी क्वेश्चन को और करके लिखा हुआ है, वो है व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, यानी मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी के आने से या ट्रिकी को देखने से क्यों शॉक हो गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं आंसर में लिखे हैं हम कि मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी, इट हैज बिकम ह्यूजली फैट, ठीक है। इसका मतलब कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थी, और वो इसलिए चिंतित थी क्योंकि वो ह्यूजली फैट यानी बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी वो ट्रिकी नाम की, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, इट लुक्स लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, और ये एक फुली हुई, ब्लॉटेड का मतलब होता है फुली हुई ट्यूब के जैसा दिख रही थी, एक खोखला जो ट्यूब होता है उसके ऐसा दिख रही थी, ठीक है। इट्स आईज आर ब्लड रेड, इसकी जो आंखें हैं खून के ऐसे लाल हो चुकी थी। इट्स टंग लोल्स डाउन इट्स जॉज, और इसकी जो जीभ है वो लुढ़क रही थी, आगे मतलब लटक रही थी, जीभ करके होता है ना, इस तरह करके लटक रही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम देखते हैं, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, यहां पे हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, यहां पे इस क्वेश्चन का मतलब हो गया, ही का मतलब हो गया, यहां पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नाम है मिस्टर हैरियट, वो किस तरह से उस कुत्ते का इलाज किए, ठीक है। हाउ डिड, और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है कि हाउ डिड द ऑथर ट्रीट ट्रिकी एज द सर्जरी, और ट्रिकी जो है वो ट्रिकी का किस तरह से डॉक्टर ने इलाज किया, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। देखिए, तो किस तरह से इलाज किया आप लोग पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है ही टेक्स द डॉग ट्रिकी टू हिज सर्जरी, उसने क्या किया, ट्रिकी को अपने सर्जरी में यानी अपने जो हॉस्पिटल है वहां पे ले गए। देयर He does not give him food to eat. वहां पे ले जाके उन्होंने क्या किया, खाना ज्यादा नहीं दिया। He cuts his food. उन्होंने food को काटा यानी खाना को कम कर दिया। He keeps it on a strict diet. और किस तरह से रखा, एक strict, एक बहुत सख्त diet दिया कि समय पे खाना है, इतना ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। At the end of the second day, ट्रिकी चेंजेस, और जब दूसरे दिन, दो दिन वहां पर रहा, दो दिन का लास्ट तक ट्रिकी जो है कुछ कुछ बदल चुका था। इट इंप्रूव्स एंड स्टार्ट शोइंग सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। और वहां का जो वातावरण है, उस वातावरण में वो अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब धीरे धीरे वो रिकवर हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, व्हाट इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ठीक है। यानी कि वह डॉक्टर जो था वो ट्रिकी को अपने जगह पे परमानेंटली रखने के लिए क्यों ललाहित हो गया था, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखे, ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, इट इज बिकॉज दैट
वे दे कुड गेट एग्स वाइन एटसेट्रा। वो इसलिए रखना चाहते थे परमानेंट गेस्ट के तौर पे क्योंकि ट्रिकी की जो मैडम थी मिसेस पम्फ्रे वो उनको बहुत सारा खाना वगैरह देती थी, ठीक है, तो ये खाना वगैरह उसको भी मिल सकता था। दिस इज सप्लाइड बाय मिसेस पम्फ्रे नॉट फॉर देम बट फॉर ट्रिकी। और ये जो खाना था ये किसके लिए था? ट्रिकी के लिए था, ठीक है। मिस्टर हैरियट डज नॉट गिव दिस टू ट्रिकी। और मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को ये सब खाना नहीं देते थे। मिसेस पम्फ्रे बहुत कुछ खाना देती थी, चॉकलेट देती थी, केक देती थी, लेकिन जो डॉक्टर थे वो ये सब नहीं देते थे खाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट वाज ट्रिकीज अलाइनमेंट, ठीक है। ट्रिकी की जो बीमारी थी वो किस कारण से हो गई थी, उसका अलाइनमेंट क्या था? तो आंसर में लिखे ट्रिकी डिड नॉट हैव एनी सीरियस अलाइनमेंट। ट्रिकी का कुछ खास बीमारी नहीं था, ठीक है। ही एट टू मच एंड स्लेप। वो बहुत ज्यादा खाता था और सोता था, ठीक है, इसलिए वो मोटा हो गया था। कुछ बड़ा बीमारी नहीं था, बहुत खाता था और सोते रहता था, कुछ भी काम वगैरह जरा भी नहीं होता था। सेम चीजें इंसानों में भी अगर ये हो तो वो भी मोटे हो जाएंगे, है ना। हिज आईज बिकेम रेड, हिज टंग बिकेम आउट ऑफ हिज जॉज। उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसकी जुबान बाहर आ गई थी, मैं बताया फिर से, है ना। इट वॉज ऑल ड्यू टू रिच फूड दैट ही एट। और ये सारा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो वो रिच फूड खा रहा था, जो मतलब महंगे महंगे फ्रूट वो खा रहा था, इस वजह से वैसा हो रहा था, ठीक है। फूड जो खा रहा था इस वजह से वैसा हो रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग को समझ में आ रही है बात, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रही होगी, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड अदर डॉग्स ट्रीट ट्रिकी, मतलब कि जो दूसरे कुत्ते थे वो किस प्रकार से व्यवहार करते थे ट्रिकी के साथ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अदर डॉग्स ट्रीटेड ट्रिकी नॉट बैडली। वहां पे जब हॉस्पिटल में वो जानवर के हॉस्पिटल में ट्रिकी को लेके भर्ती किया गया तो वहां पे जो अदर डॉग्स थे वो बुरी तरह बर्ताव नहीं करते थे। जो एंड इट्स फ्रेंड सराउंडेड ट्रिकी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जब वो वहां पहुंचा तो जो नाम का एक था वो और उसके सारे दोस्त कुत्ते आके ट्रिकी को घेर लिए और उत्सुकता से देखने लगे कि उत्सुक होने लगे, ठीक है। सॉरी कहां चला गया ये, हाँ, उत्सुकता से देखने लगे। देन दे वेंट टू द गार्डन, ठीक है, दे रोल्ड इट ओवर। और वे लोग क्या किए, वो जो कुत्ते थे सभी के साथ साथ ट्रिकी गार्डन की तरफ चले गए, ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया, यानी बुरा बर्ताव नहीं किया। जितने भी वहां कुत्ते थे सबने अच्छा ही बर्ताव किया था, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब तो था शॉर्ट क्वेश्चन में, अब जो ये सारा क्वेश्चन है ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, 80 वर्ड्स का क्वेश्चन है। आप लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा, डिस्क्राइब इन 80 वर्ड्स हाउ मिस्टर हैरियट क्योर्ड क्रिकी ट्रिकीज एलनेस इलनेस। यानी जो मिस्टर हैरियट है उन्होंने किस तरह से ट्रिकी की इलाज की, यानी ट्रिकी की जो बीमारी है उसको किस तरह से क्योर किया यानी इलाज किया, ठीक है। आंसर में लिखा है मिस्टर हैरियट टूक ट्रिकी टू हिज सर्जरी। समझ में आ रही बात कि ट्रिकी को हॉस्पिटल ले गए, देयर ही मेड अप ए बेड फॉर हिम। और वहां पर एक क्या लगा, एक बेड लगा दिया होता है, हर मरीज के लिए एक बेड लगा दिया जाता है, तो ट्रिकी के लिए भी एक बेड लगा दिया गया। फॉर टू डेज ही केप्ट एन आई ऑन इट, और दो दिन तक उसको देखते रहा कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया से। ही गेव इट नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, किसी तरह का कोई खाना नहीं दिया उसको, क्या किया, सिर्फ पानी दिया, ठीक है। जैसे कोई बहुत मोटा इंसान हो जाता है तो उसको अगर पतला करना हो तो उसका खाना कम कर दिया जाता है, एक्सरसाइज वगैरह कराया जाता है, पानी पिलाया जाता है, ठीक है, सैलेड वगैरह खिलाया जाता है, हेवी फूड जैसे केक वगैरह ये सब, उसके बाद हेवी खाना बंद कर दिया जाता है। सेम चीज ट्रिकी के साथ भी हुआ। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे इट शोड सम इंटरेस्ट। पहले एक दिन ट्रिकी वहां पे मन नहीं लग रहा था ट्रिकी का, क्योंकि नई जगह थी, खाना वाना नहीं मिल रहा था। अब बताइए इतना अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, वो
मछली मिल रहा है खाने के लिए उसको, उसको केक मिल रहा है खाने के लिए, और सब मतलब एकदम अपने बेटे की तरह उसको पाल रही है मिसेस पम्फ्रे, और यहाँ पे आके कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उसका मन तो सडनली नहीं लगेगा ना, फिर सेकेंड दिन उसका मन वहां पे धीरे धीरे लगने लगा, ठीक है। उसके बाद मिस्टर हैरियट ऑल्सो गेव ब्रैंडी टू ट्री की इट्स डाइट वॉज एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग एंड वाइन एट नून, ठीक है। अब ट्री को क्या किया, सेकेंड दिन से जब वो थोड़ा रिकवर होने लगा, थोड़ा ठीक होने लगा, तो उसको वाइन दिया गया, शराब पिलाया जा रहा है, देखिए कुत्ते को शराब पिलाया जा रहा है, ठीक है, और अंडा खिलाया जा रहा है। तो सुबह को अंडा खिलाया जाता था और दोपहर को शराब पिलाया जाता था, देखिए कुत्ते की डाइट क्या जिंदगी है कुत्ते की, है ना। चलिए, दिस थिंग्स हैड अ ग्रेट एफर्ट ऑन ट्रिकी, और ये जो चीज वो कर रहा था कि एक डाइट प्लान बना दिया था कि ऐसा ऐसा खाना दिया जाएगा, जब जो चीज मन में आए तब नहीं खाना है, इस वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और ट्रिकी जो है वेरी सोन इट बिकेम ऑल राइट, वो क्या हो गया, ठीक हो गया, बहुत ही जल्दी वो ठीक हो गया। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्रेज लव एंड वरी फॉर ट्रिकी, यानी आपको बोल रहा है कि मिसेस पम्फ्रे कौन है, ट्रिकी की मालकिन है, तो ट्रिकी के लिए उसकी जो चिंता है और उसकी जो प्यार है उसका वर्णन करें, ठीक है। या तो इस क्वेश्चन के एक और तरीके से पूछता है, हाउ इज मिसेस पम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज अलाइनमेंट, और ट्रिकी की जो बीमारी है उसके लिए मिसेस पम्फ्रे ही अगर देखा जाए तो जिम्मेदार है, वो कैसे ये बताइए। जिम्मेदार तो है ही, ये तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि उसका जो प्यार है वही उसकी बीमारी का कारण है, क्योंकि वो प्यार से इतना खिलाती है, ज्यादा ज्यादा खिलाती है, कुछ काम नहीं करवाती है कुत्ते से, ठीक है, ट्रिकी से, तो वो क्या हो गया, मोटा हो, जो वही बीमारी का रूप ले लिया था, ठीक है। चलिए तो आंसर में क्या लिखे, इनफैक्ट मिसेस पम्फ्रे हैज अ ग्रेट लव फॉर ट्रिकी हर डॉग, उसकी जो कुत्ता है उसका, मिसेस पम्फ्रे का, उसके लिए बहुत प्यार है, वो तो दिख ही रहा है। शी डज नॉट ट्रीट इट एज एन एनिमल, वो उसको जानवर की तरह ट्रीट नहीं करती, अगर हम जानवर मानते तो बचा कुचा खाना देते, ठीक है, या पम्फ्रे बचा कुचा खाना देती उसको, इतना अच्छा अच्छा खाना नहीं देती, ठीक है। शी ट्रीट इट एज हर ओन चाइल्ड, वो कैसा ट्रीट करती है, कैसा व्यवहार करती है, अपने बच्चे के जैसा, यानी वो उसका बेटा है उस हिसाब से, ठीक है। दिस फैक्ट इज सीन इज इट्स फूड, और ये जो फैक्ट है, सच्चाई है कि बेटा मानती थी, ये उसका खाने से दिख रहा है कि इतना अच्छा अच्छा खाना पीना कोई अपने बेटा अपने बेटी यही सबको देगा, ठीक है। ट्रिकी हैज गिवन नो वर्क, और ट्रिकी को किसी तरह का काम भी नहीं दिया जाता था, सो ड्यू टू दैट इट हैज बिकेम वेरी फैट, और इसीलिए ट्रिकी क्या हो गया था, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, ठीक है। द रिजल्ट इज दैट ट्रिकी फॉल इल, और बहुत ज्यादा मोटा होना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, आपको फिट रहना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं, इफ यू आर फिट तो अच्छा है, ठीक है। मिसेस पम्फ्रेज वरीज आर ग्रेट, और मिसेस पम्फ्रे की चिंताएं बढ़ने लगी, क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि वो मोटा हो रहा था, और आदमी जब मोटा होता है तो सुस्त हो जाता है, ज्यादा हिल डुल नहीं सकता है, तुरंत उठ बैठ नहीं सकता है, कोई काम को फटाक से नहीं कर सकता है, तो ये सारा नहीं कर सक रहा था, तो वो चिंतित हो गए। सी कॉल्ड मिस्टर हैरियट वेटनरी सर्जन, तो एक वेटनरी सर्जन यानी जानवरों का जो डॉक्टर है उससे वो मिली, जिसका नाम था मिस्टर हैरियट। ही टेक्स ट्रिकी टू हिज सर्जरी, ट्रिकी को वो बोला कि भर्ती करना पड़ेगा भाई, एडमिशन करना पड़ेगा इसका हॉस्पिटल में, ऐसे नहीं होगा। ही रेगुलेट डाइट, पहले ही बता चुके हैं कि उसका जो खाना पीना है उसको सबसे पहले रेगुलेट किया, सिस्टमेटिक किया, क्या खाना है नहीं खाना है। गिव फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज भी उसको दिया, ठीक है, करने के लिए उस डॉग को, और इस तरह से हेंस इट गेट ऑल राइट अगेन, और धीरे धीरे वो क्या हो गया, कुत्ता ट्रिकी ठीक होता चला गया, क्योंकि उसको खाना पीना कम दिया गया, एक टाइम टू टाइम खाना दिया गया, उसके बाद उसको अंडे खिलाए गए, बहुत सारे चीज कराया गया, एक्सरसाइज कराया गया, फिजिकल एक्सरसाइज कराया गया, जिस वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया है, और भी क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, या इसको भी स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा,
और मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।